फ्रेंड्स, अंडा बिरयानी तो सबको पसंद आती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे बनती है। अंडा बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 उबले हुए अंडे लिए हैं, थोड़ी कोरिएंडर लीव्स, 2 छोटे टमाटर कट किए हैं, 3 प्याज कट किए हैं, 1 ग्लास बासमती राइस का लिया है, सॉल्ट, ऑयल, 2 चम्मच दही, यहाँ पे हाफ जीरा लिया है, हाफ चम्मच, हाफ चम्मच कोरिएंडर पाउडर, 2 ग्रीन मिर्ची, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 थोड़ी दालचीनी ली है, 1 काली इलायची, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 चम्मच बिरयानी मसाला। यहाँ पैन रखा है गैस पे, इसमें हमें 2-3 चम्मच तेल डालना है। जो प्याज हमने लिए हैं उसमें से आधे हमें फ्राई करके लेने हैं। हमें इसको गोल्डन ब्राउन से भी ज़्यादा फ्राई करना है और बाकी के हाफ जो हैं वो हम बाद में यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे गैस का फ्लेम जो है वो हाई रख सकते हैं क्योंकि इसको ज्यादा फ्राई करके लेना है। ये 2-3 मिनट के बाद फ्राई हो जाएंगे, तब तक इसे ऐसे मिलाते रहिए। अभी अनियन जो है वो डार्क ब्राउन हो चुका है तो इसको हमें अभी निकाल के लेना है, तो इसको मैं अभी प्लेट में निकालती हूँ। इसको हम बाद में यूज करेंगे, इसको अभी निकाल के साइड में रखना है। और अभी जो तेल बचा है इसमें इसमें मैं अंडा फ्राई करके लेती हूँ। यहाँ पे जो हमने अंडे उबाल के लिए हैं उसको हम ऐसे हल्दी पाउडर 1/4, हल्दी पाउडर 1/4, रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा नमक डाल के ऐसे हाथ से मिक्स करेंगे। ये सब, ये जो मसाला है वो सब अंडों को ऐसे लगना चाहिए ऊपर से। और फिर ये जो अंडे हैं वो हम पैन में, थोड़ा तेल है इसमें, ऐसे डाल के फ्राई करेंगे इसको। तो सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ही फ्राई करके लेना है। और फिर इसको जो है वो हमें निकाल के रखना है।
उसी पैन में मैंने अभी थोड़ा 1 चम्मच तेल ऐड किया है, और वो गर्म होने के बाद हमने जो ये काली इलायची, और ये जो दालचीनी और ग्रीन मिर्ची ली है वो डालेंगे। और तेल के साथ अच्छी तरह से मिलाने के बाद मैं अभी जो बचा हुआ प्याज है वो ऐड करेंगे अभी इसमें, और जो 1 चम्मच हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है वो भी मैं डालती हूँ। ये सब हमें अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है, जब तक कि ये हमारा जो प्याज और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो अच्छी तरह से पक ना जाए। इसे 2-3 मिनट के लिए हमें कुक करके लेना है। जब तक कि हमारा जो ये प्याज पक ना जाए तब तक दूसरी गैस पे मैंने ये पानी गरम करके रखा है। तो इसमें मैं अभी जो हमने बासमती चावल लिए हैं वो थोड़ा वॉश करके मैं इसमें ऐड करती हूँ। इसको पूरी तरह से पकाना नहीं है, 3/4 पकाना है हमको, और बाद में वो बिरयानी में ऐड करेंगे। अभी प्याज अच्छी तरह से पक चुका है तो इसमें मैं टमाटर डालती हूँ। टमाटर डालने के बाद भी हमें इसको 2 मिनट के लिए और पकाना है, जब तक ये टमाटर जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए। तो आप चाहे तो कवर करके भी कुक कर सकते हैं। मैं ऐसे ही कुक करती हूँ 2 मिनट के लिए, और उसके बाद हमने जो मसाले लिए हैं वो ऐड करेंगे। अभी मैंने इसमें हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला जो हमने लिया था वो सब ऐड करके लिया है, और इसको मैं मिक्स करती हूँ। और जो बिरयानी मसाला हमने लिया है वो भी हमें डालना है इसमें। बिरयानी मसाला डालने के बाद अभी और 2 मिनट के लिए इसको कुक करके लेना है। अभी ये प्याज और टमाटर और सब मसाले अच्छे तरह से कुक हो चुके हैं। इसमें अभी 2 चम्मच हमें पानी ऐड करना है ताकि जो मसाला जो है वो नीचे चिपके नहीं, और इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें जो हमने दही ली है वो ऐड करेंगे। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो मैं गैस बंद करती हूँ, क्योंकि हमें अभी इसमें दही ऐड करना है, और ये मसाले को थोड़ा ठंडा होने के लिए 2 मिनट छोड़ती हूँ ताकि जो दही हम लोग डालेंगे वो फटे नहीं उसमें। चावल हमने जो बॉयल होने के लिए रखा था वो अभी बॉयल हो चुका है, तो मैं इसमें से जो पानी है वो ड्रेन करके लेती हूँ। मसाला अभी ठंडा हो गया है तो इसमें दही ऐड करती हूँ।
और दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। अभी कलर जो है मसाले का वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये सब गैस बंद करके ही करना है। एक बार ये सब मिक्स हो जाए तो हम गैस ऑन करेंगे और इसको 1-2 मिनट के लिए कुक करेंगे। अभी 2 मिनट पकने के बाद हमारा मसाला रेडी हो चुका है, तो वापस हमें गैस ऑफ करना है क्योंकि अभी हम लेयरिंग करेंगे। अगर गैस ऑन रही तो सब मसाला पैन को चिपक सकता है। अभी हम लेयरिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें धनिया डालना है, हमें अंडे डालना है। अंडों को ऐसे मसाले में ऐसा डाल के जो हमने बासमती राइस बॉईल करके लिए हैं उसको ऐसे ऊपर से डालना है। ये पूरे बॉईल नहीं हुए हैं, ये 3/4 बॉईल किए हैं। तो इसको सब जगह पर ऐसे स्प्रेड करके लेना है। राइस हमने स्प्रेड किए हैं, इसके ऊपर अभी थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे हम। आपको जितना चाहिए आप डाल सकते हैं। इसके ऊपर जो हमने अनियन फ्राई करके लिए हैं वो हम हाफ डालेंगे। हाफ जो है बचे हुए वो गार्निशिंग के लिए रखते हैं। और लास्ट में ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। घी डालेंगे हम और इसे हमें 1-2-3 मिनट के लिए कुक करके लेना है। अभी गैस बंद है तो गैस चालू करके इसको 2-3 मिनट के लिए अभी कुक करके लेती हूँ। अभी 3-4 मिनट के बाद मैं गैस बंद करती हूँ। एक बिरयानी रेडी हो चुकी है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है, तो आप इसे जरूर बना के देखिएगा। ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी बनती है। तो अभी हम इसको सर्व करेंगे। इफ यू लाइक माई टूडेज रेसिपी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।